मेरा नाम अनीक मिर्ज़ा है और आज मैं मेहरान के ओनर्स रिव्यू के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। ये गाड़ी 2017 मॉडल है और 17 के मिड में मैंने सुजुकी पार्क्स सुजुकी कंपनी से रिसीव की थी और आज मैं आपको इट्स बिन लाइक 4 साल 4.5 साल और वन हैंड मेरे पास ये यूज़ हुई भी है। ये रिव्यू बनाने का मकसद उन लोगों के लिए है जो मेहरान लेने में इंटरेस्टेड हैं और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों में आप लोगों से शेयर करूँगा कि इन 4 साढ़े 4 साल में मेरा इसके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा। और चलें वक्त ज़ाया करे बगैर ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो व्यूअर्स, अब ये हमारी गाड़ी मेहरान, जिसको आम जमान में बिग बॉस कहते हैं। मैंने इस गाड़ी की काफ़ी पैम्परिंग और केयरिंग की है और इसको स्टॉक मोड में ही रखा है। जैसे मैंने कंपनी से लिए ऑलमोस्ट कुछ कवर्स और मैट, ये फुट मैट मैंने शायद लिया होगा, बाकी तकरीबन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कहीं से ये गाड़ी टचअप नहीं हुई है और मैं इसको कैसे मेंटेन करता था ये सारी तमाम डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूँगा। फिलहाल आप गाड़ी का कुछ व्यू शॉट्स देख लें ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि गाड़ी किस स्टैंडर्ड पे है। कहीं टचअप नहीं है, टोटली गाड़ी जेन्युइन है। स्पीडोमीटर इसका अभी कोई 4.5 साल में 54,000 किलोमीटर चला है। एसी ना मैंने कभी गैस डलवाई है इसकी। इसकी इंजन की हालत भी आपको दिखा लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं 4.5 साल में इसका कहीं भी कोई रस्ट नहीं है, ना मैंने कभी इसके अंदर एसी की गैस डलवाई है। मेंटेन रखता हूँ पार्क सुजुकी से, मैंने शुरू में 2 मेंटेनेंस करवाई थी ज़रूर, उसके बाद मैंने अपने घर के नियरेस्ट स्पॉट पे जो वर्कशॉप है जिससे मैं गुज़िश्ता 10-15-20 साल से ऑलमोस्ट काम करवा रहा हूँ और मुतमईन हूँ, तो उनसे मैं इस गाड़ी की मेंटेनेंस अपने सामने करवाता हूँ। मज़ीद कुछ ख़ास नहीं, मैंने इसके अंदर तमाम चीज़ों में कोई भी मैंने रद्दोबदल नहीं करी, कोई चीज़ इसमें डलवाई नहीं। कंपनी CNG फिटेड थी ये गाड़ी, तो कोई भी चीज़ माँ सिवाय इसके कि मैंने ये बैटरी चेंज ज़रूर करवाई है, क्योंकि ज़ाहिर है उसकी ये सेकंड बैटरी है। इन 4 साल 4.5 साल की मुद्दत में ये बैटरी मैंने सेकेंड डलवाई है, इसके अलावा मैंने कोई इसमें काम नहीं कराया, क्योंकि ये गाड़ी कोई अनस्टेबल जगह पे या रफ रोड्स पे नहीं चली है, तो मुझे पंचर का सामना भी नहीं हुआ। इस 2 साइड में टोटल गाड़ी के अंदर 3 पंचर हैं, इस टायर में 2 पंचर हैं, इसमें 1 पंचर है। उस साइड के दोनों टायर्स में अब आज तक कोई अल्हम्दुलिल्लाह पंचर नहीं आया है। स्पेयर इसका अनयूज है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने जब गाड़ी ली थी उसी वक्त मैंने इस पर लेदर कवर चढ़ा दिए थे, तो जो हालात अभी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल गाड़ी क्लियर है। अच्छा, पीछे ये स्टैंडर्ड मोड पे है, इसका स्टिपनी वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं हुई थी। जैसे कि गाड़ी शोरूम से हम लेते हैं, जाहिर है पानी की बोतल और ये मैंने कवर रखा हुआ है। बाकी गाड़ी कहीं से भी रस्टी नहीं है, कोई इसमें ट्रबल नहीं है, ठीक है। अनयूज फॉर्म ऑलमोस्ट हार्डली शायद मैंने गली के कोने तक या थोड़ा बहुत ही ज़रा सा ऑलमोस्ट अनयूज फॉर्म में इसका अभी स्पेयर है।
के अलावा गाड़ी जो है पूरी तरीके से अपनी जेन्युइन हालत में है। अच्छा, मैंने क्या किया था इस गाड़ी के साथ जब शुरू में लिया था, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंसेस ये कोई मेरे पास 8वीं 9वीं मेहरान थी, मगर 0 मीटर मेरी लाइफ की फ़र्स्ट गाड़ी थी, तो इसलिए मैं ब्लॉक की तरफ भी आया इस गाड़ी को लेकर के, क्योंकि हर इंसान की एक अचीवमेंट होती है। हम भी एक मुतवाजन तबके से, दरमियाने मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये अचीवमेंट थी। फर्स्ट टाइम मेरी एक 0 मीटर गाड़ी, मैंने बड़ी मेहनत और सेविंग के बाद ये परचेज़ की थी। समाओ आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने शुरू में लिया था ये गाड़ी, यहाँ कब्ज़ों से रस्ट आ जाता है क्योंकि यहाँ पानी ठहर जाता है बारिश का या वॉश के बाद, तो अमूमन ये कब्ज़े जो होते हैं मैंने इन पे ग्रीसिंग कर दी थी शुरू में, ठीक है। और बाकी कहीं भी यहाँ पर भी ये रस्ट नहीं है, ये ग्रीस लगी हुई है, ठीक है, जो मैंने डे वन पे प्रिकॉशनरी तौर पे, अगर कोई मेरा भाई लेता है गाड़ी या मतलब नॉट दिस कार, मतलब कहीं भी कोई गाड़ी, तो मैं आपको जो बताने का मकसद, ये गाड़ी नॉट फॉर सेल है, मगर ये है कि मैंने ये रिव्यू इस वजह से बना रहा हूँ ताकि जो लोग मेहरान की तरफ रुजू करना चाहते हैं या लेना में इंटरेस्टेड हैं या प्लान कर रहे हैं, उनके लिए आसानियाँ हों कि क्या क्या प्रिकॉशन मैंने किए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस गाड़ी के मुझे बड़े हैंडसम अमाउंट ऑफ फंड है, तो और क्योंकि मैं बड़े पैम्पर्ड की है गाड़ी, एनी वेज बिल्कुल अपने अच्छे। दूसरे साइड से भी आप देख लें कोई भी दरवाज़ों में रस्ट नहीं है। अच्छा, काप ये लेदर सीट्स मैंने चढ़ा दी थी, मेरे ख्याल से अगर मैं अभी लेदर सीट उतारूँगा तो इसके नीचे से वाइट वाला जो कवर स्टैंडर्ड आता है पार्क सुजुकी वाले देते हैं, और इसके ऊपर प्लास्टिक, वो एज़ इट इज़ चढ़ी होगी क्योंकि मैं ओरिजिनल सीट पे कभी इन 4 साढ़े 4 साल में बैठा भी नहीं। तो एवरी सेकेंड वीक मैं इसको वॉश करवाता हूँ, अंदर से नहीं करवाता। दरवाजे आप देख लें तमाम बिल्कुल अपनी जेन्युइन हालत में, डैशबोर्ड में इवन कोई स्क्रैचेस नहीं है, साइड बोर्ड्स कुछ भी मैंने चेंज नहीं कराया, इवन दो कि आप उस तरफ से अगर आएँ इसके मिरर्स भी जेन्युइन है, दो के वो हल्के से इस तरफ से अगर दिखा सकें, ये फेड हो गया है। ये अब जो आफ्टर मार्केट अगर आप लगवाते हैं तो वो प्लास्टिक मोड में आते हैं, ये कोई सिल्वर या बीड की मटेरियल, ये मेटालिक फ्रेम है इसका, तो ये जो स्टॉक तब में आए थे गाड़ी के साथ लग करके वही ये अभी तक इंस्टॉल हुए हैं, जो कि ये अभी वाला इस साइड वाला थोड़ा सा लूज़ हो गया है, अदरवाइज़ दूसरा मेरा साइड बिल्कुल ओके है। केयरिंग हर चीज़ मांगती है, मैं इस पर कूलेंट का इस्तेमाल करता हूँ, जो मैंने प्रैक्टिस में रखा है वो उस पर मैंने कूलेंट का इस्तेमाल रखा है। महीने में तकरीबन 150 रुपये का 200 रुपये का जो कूलेंट स्टैंडर्ड आता है वही मैं इसमें डालता हूँ। उसके साथ मैं इसके अंदर एसी का पानी इस्तेमाल करता हूँ, जो हमारे गर्मियों में एसी का पानी, क्योंकि वो लाइट वेट होता है, हल्का होता है, तो वो पानी मैं इसके साथ इस्तेमाल करता हूँ, कूलेंट इस्तेमाल करता हूँ। इसको मैं इंजन रूम वॉश नहीं कराता, ऑलमोस्ट महीने डेढ़ में मैं अमूमन इसके अंदर वीकली बेसिस पे हवा लगवा देता हूँ, क्योंकि ये गाड़ी के रेडिएटर जो के हैं फेफड़े जैसे, तो इससे स्ट्रेंथ होती है। इस पर मैं एयर लगवाता हूँ, उसके बाद मैं पानी लगा के इसको वॉश करवा देता हूँ, और इसके ऊपर मैं कोकोनट ऑयल की स्प्रे करवा देता हूँ, और वो ऑलमोस्ट मेरा एक महीना निकल जाता है आराम से। अगर क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि मेरी रनिंग ना हमवार रोड पे नहीं है और कोई टूटे फूटे इलाके में, मतलब जाना आना मेरी इतनी ज़्यादा रनिंग है नहीं। तो भाइयों इसके साथ मैंने ये LEDs अलबत्ता लगाई थी थोड़ी सी, पर इसके अलावा कोई ख़ास मैंने मेजर इसके अंदर तब्दीलियाँ की नहीं। अगर आप आगे पीछे हो जाए, तो हमारा आज का रिव्यू मेहरान कार के ऊपर था।
जैसे मैंने चंद बातें आपको बताई कि मैं कूलेंट इस्तेमाल करता हूँ, एसी का पानी इस्तेमाल करता हूँ, वंस इन अ मंथ मैं इसको वॉश कराता हूँ, मगर प्रेशर लगवाता हूँ हवा का अंदर लगवाता हूँ। साइड्स में जैसे वो आप वॉश के पास जाएँ उनको सर्विस के लिए बोलें, वाजे का पानी लगा देते हैं, क्योंकि ये अब महरान के मेरे ख्याल से 17 के ऑनवर्ड्स जो है वो कंप्यूटर वाला है, कार्ड लगा होता है, एम्प लगा हुआ है बाजे गाड़ी में कोई लगाता है, तो अंदर से पानी डाल के मेरी प्रैक्टिस नहीं है कि दरवाजे को किनारे पर जैसे वो मारते हैं, तो कुछ चीज़ें आपको खुद मॉनिटर करनी पड़ती हैं, उनको गाइड करना पड़ता है। दर्द आफ्टर ऑल आपके पैसे हैं तो आपको ही होगा, अगला नहीं करेगा। इस उम्मीद के साथ ये ब्लॉग को अपने इख्तिताम पे लेकर आते हैं कि जो लोग भी जो बातें भी मैंने बताई वो मुफीद रही होंगी उन लोगों के लिए जो इसको लेना चाहते हैं, और दैट्स इट। इंशाल्लाह आपसे अगले ब्लॉग में एक नई गाड़ी के साथ मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए आपके होस्ट अनीक मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़।